रायगढ़ नगर निगम मिकाबी शहर सरकार ने 1 करोड़ रुपए दुकानों का निर्माण के लिए दिया, लेकिन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 2 सालों से अटकी हुई है। ऐसे में 1 करोड़ की दुकानें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। दरअसल नगर निगम ने 2 साल पहले मरीन ड्राइव में दुकान निर्माण की योजना बनाई और 1 करोड़ रुपए खर्च भी किए। इसके बाद आवंटन हो पाता उसके पहले ही जल संसाधन विभाग ने प्रस्तावित जमीन को अपना बता दिया। वही दुकानों के लिए जिन कारोबारियों ने डीडी जमा की उनकी डीडी वापस नहीं हो पाई। वही बीजेपी का कहना है कि जब पूर्व में चौपाटी फ्लॉप हो चुकी है तो उसी जगह में दुकानों के निर्माण का क्या औचित्य है और सिर्फ भ्रष्टाचार के चक्कर में दुकानों का निर्माण किया गया। इधर मामले में मेयर ने कहा कि जमीन को लेकर कुछ अड़चने थी इसलिए आवंटन नहीं हो पाया है। जो दुकानें आवंटित की गई हैं वो केवल कागज पर आवंटित की गई हैं, दुकान जिनको दुकान मिली है उनके सुपुर्द नहीं किया गया है और आप जाके देख सकते हैं स्पॉट पर कि दुकान एकदम खंडहर की स्थिति में होती जा रही है। दुकानदारों का आरक्षित राशि भी वापस नहीं की जा रही है और वो आज नगर निगम के भटक रहे हैं। इस प्रकार से शासन की राशि का दुरुपयोग नगर निगम के महापौर अधिकारियों के द्वारा लगातार की जा रही है जो कि वसूली की जानी। शटर टूट गया है और कुछ सामानें जो चोरी हो गई उसको हितग्राही के द्वारा निर्माण करने के लिए मरम्मत करने के लिए पत्र दिया गया है। नालंदा परिसर उसका भी वहीं निर्माण कराने के लिए सोच रहे हैं। अगर नालंदा परिसर वहाँ बनता है तो दुकान भी बहुत अच्छा से चलेगा।